शालोम, शलोम शलोम प्रवीष मसीनाश्री के नाम में लगातार जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते समझते और सीखते जा रहे हैं कि हम विश्वास में मजबूती और मजबूती और हर दिन की आशीष और अनुग्रह और अभिषेक में आनंद और शांति से परमेश्वर की स्तुति महिमा उस योग्य कर पाएँ सच्चाई से और आत्मा से क्योंकि निरंतर हम वो सच्चाइयों को जान रहे हैं जो पवित्र शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण हैं आ, कहीं नहीं पाई जाती और हर जगह प्रमाणित हैं ये विशेष बात है कि आ, हमने सच्चे प्रभु को पाया है और वो मार्गों को भी जान रहे हैं और जो अनंत जीवन की आशा हमें दी गई है आ, वो व्यर्थ नहीं है और हर चीज़ का प्रमाण बाइबल में निश्चित पाया जाता है तो उनमें बहुत खूबसूरत वो चीज़ें जो जिस पर दृष्टि नहीं करी गई है सुनी गई है समझा नहीं गया है उसमें से आज आपके सामने हम सब आ, मैं रखूँगा ये बात और निश्चित बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र के वचन से उनके जवाब कितने खूबसूरत हैं और पवित्र शास्त्र में हैं तो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि मलकी सिदक की रीति से मलकी सेदक की रीति तो आज मलकी सदिक की रीति से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर का न्याय और उसका अनुग्रह हमें पाप से मुक्त करने में मदद करता है और इस संदर्भ में जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु जगत की ज्योति है तो क्या कैसे बो बोलते हैं क्या मतलब निकलता है क्या समझते हैं हम और, और बहुत आनंद से ये भी बोलते हैं हम कि जो ज्योति तुम्हें मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ, बिल्कुल तो आज उस अद्भुत रहस्य को उस भेद को जानिए और प्रकाश और जानवर की खाल ये शब्द बहुत अजीब लग रहा होगा कि यहाँ मैं क्यों रख रहा हूँ परमेश्वर ने अगर हम उत्पत्ति तीन इक्कीस देखें तो आदम और हवा के लिए चमड़े के वस्त्र पहनाए है ना तो चमड़े के वस्त्र पहनाएं मतलब उसमें हिंदी में अंगारखा लिखा हुआ है पर चमड़े के वस्त्र पहनाए और चमड़ा कितना महत्वपूर्ण है इसे हम जानेंगे एक बात और ध्यान रखिए कि जिन्होंने मिलाप के तंबू को जाना है ट्रैवल निकल को उसमें सुइसों की खाल मेड़ों की खाल और वो जो चार लेयर से ढका हुआ ढका गया था ना साथ साथ हम ये समझते जाएं जो उत्पत्ति चौदह में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने मलकी सिद्दक जो सालोम का राजा था जिसका कोई वंश नहीं उसको अपना दस मांस दिया था जैसे प्रभु यीशु का कोई वंश नहीं मलकी सिद्दक मलाक से बना हुआ है राजा और सिद्दिक सादिक ये धार्मिकता को दिखाता है क्योंकि आज जब हम मल्कि सिद्द को की रीति को जानेंगे और उन चीज़ों को पहचानने के लिए परमेश्वर का न्याय और सच्चाई को जैसे जैसे जानेंगे तो ये धार्मिकता जिसकी जिसमें हम हैं वो ईश्व की है और इस बात को जानना ज़रूरी था कि मलिक का अर्थ क्या होता है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जो कहा गया है और जिसकी जांग पर लिखा रहेगा प्रकाशित वाक्य में है ना आपको आश्चर्य होगा कि प्रकाश और चमड़े के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है और वो शब्द है और हिब्रू में हम इसको जानेंगे और भी अच्छे से कि क्या है इसका मतलब मैंने ट्रैबल निकल का बता दिया कि खाल से ढका गया परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र पहनाए ये अद्भुत सच्चाई को जानेंगे और जितनी ये वह सच्चाई पवित्र शास्त्र में रखी है इस पर आपका क्या रिएक्शन होता है कैसे लेते हैं सिर्फ कि आश्चर्यचकित होने के लिए कि परमेश्वर की उन सच्चाइयों को उन शब्दों को जानकर उसकी महानता को पहचाने महान कैसे है जब हम बोलते हैं हिब्रू में गादोल बोला जाता है महान को तो क्यों है उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने जो नंगेपन को ख़त्म करने के लिए पाप को खत्म करने के लिए पहनाया गया प्रभु यीशु बोलते हैं मुझे ओल लोग क्या है मतलब उन्होंने अपना प्राण दे दिया अपना चमड़ा दे दिया ये नहीं सुने होंगे आपने कि जो मारा गया था उसका चमड़ा पहनाया गया था ना पिता यहोवा अब्बा के द्वारा पहनने का मतलब उसका चमड़ा पहन लेना ना यहन्ना चमड़े के वस्त्र पहनता था ना एलिया ने चमड़े के वस्त्र पहने थे ना रोएदार ये जो अत्यंत प्रभावशाली और सत्य और पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं कि ये दोनों की ध्वनि प्रोनाउंसिएशन जिसे और कहते हैं प्रकाश को और कहते हैं चमड़े को भी और कहते हैं हम धीरे धीरे इस बात को जानते हैं क्योंकि मिल्की सिद्देक की रीति आज अच्छे से पहचान लीजिए है। बोलते हैं पर यशु अपनी रीति से प्रार्थना करने गया बोलते हैं जानते हैं वो रीति वही रीति हम जान रहे हैं कि वहाँ पर हमारा ध्यान और निगाहें क्यों नहीं गई तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा इस ये एक ऐसा बिंदु हमारे सामने रखा गया है कि बहुत सी बातें बहुत से पर्दे हटेंगे और इन बातों की सच्चाई को और प्रभु यीशु के बलिदान को क्रूस की मृत्यु को और भी और भी सम्मान आदर और उसकी बहमूल्यता उसकी कीमत को पहचानेंगे परमेश्वर का प्रकाश और हमारे पापों का ढकना प्रकाश महिमा भी है ना और प्रकाश सच्चाई भी है ये बिल्कुल सच है इसीलिए तो प्रभु ने कहा यीशु ने जो महिमा में उठाया गया कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ तो प्रकाश महिमा और सच्चाई है और वही हमारे पाप का ढकना है प्रायश्चित का ढकना सुने ना आपने वाचा के संदीक संदूक पर जो जहाँ पर लहू प्रभु ईश्वर ने चढ़ाया था अपना महायाजक उसी जगह पर लहू जहाँ दो करूब हैं ये आपने सुने हैं पर अब ढकने को समझिए कि कैसे ढका गया और इसके लिए उत्पत्ति भजन संहिता बत्तीस और कई जगह पर कहा है कि जो परमेश्वर जिसके पाप ढपे जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जो गुनाह हैं वो श्वेत हो जाएंगे उसके ये औचित्य यानी मैल की सिदक की रीति वो धार्मिकता की रीति है न्याय के राजा की राजाओं के राजा की महान महायाजक की जो स्वर्ग पर है अब इस पृथ्वी पर वो सब बातें जिसने करी करता मसीहा प्रभु यीशु मसीह नासरी ये इतना सारा बार बार क्यों मैं बोलता हूँ कि ये बोलना आना चाहिए हमको हमारे ओठों से जो शब्द निकलते हैं उसकी मेरे पिछले वीडियो में इस पर बहुत बोला गया है कि क्या अहमियत है ये सांसों के साथ कैसे है और वो सांसें जो हमारे जीवन में हैं तो बोलते समय क्यों ध्यान रखें यहाँ प्रत्येक बात मैं थोड़े थोड़े बिंदुओं पर लेते हुए चल रहा हूँ प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो वो परमेश्वर की दिव्यता की बात करते हैं ना और जब हम परमेश्वर की दिव्यता की बात करते हैं तो निश्चित मार्गदर्शन हमारा हो रहा है ना ये मार्गदर्शन हो रहा है ना पहचान हमें नई चीज़ पता चल रही है ना जो सुनी नहीं गई बोली नहीं गई कि कैसे प्रकाश और चमड़ा ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि प्रकाश और चमड़ा में सिमिलरिटी क्या है जैसे लकड़ी और वृक्ष के लिए एत शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है क्यों किया जाता है उसके मायने क्या हैं तो बाइबल में मायने बड़े स्पष्ट हैं साफ साफ हैं हमने ध्यान नहीं दिए हम हमारा ध्यान किन्हीं और बातों में था और वो कौन सी बातें थी हम सब अच्छे से जानते हैं कि मन किस तरह से किन बातों में लगा हुआ है तो आज जब अपने मन को इस दिशा में लगाएंगे तो निश्चित जानेंगे तो वो पूरा होगा वो तमाम चीज़ों से ढप जाएगा जिसके लिए आज आप बेचैन होते हैं कि मन पे कंट्रोल नहीं ये वो नहीं कठिनाई अपने सफल नहीं होना खूब प्रयास करते हैं निरंतर निरंतर जैसे दूसरे नहीं मैंने आज इतनी माला फेरी है मैं कल इतनी करूंगा ये कौन लोग करते हैं जिद्दी हेकड़ और उसका नतीजा नहीं होता वो शरीर की क्रियाओं पर परमेश्वर के सामने हमें जो सबक मिलता है वो शांत हो जाना कहा गया अन्य जातियों जैसे बड़बड़ बड़ मत कर उसके सामने चुपचाप रह क्योंकि ये बातें जब मेरे मन में रहेंगी जो आपके कान सुन रहे हैं मेरे हृदय में रहेगी तो बोलने की जरूरत क्या है हर चीज़ प्रकाश और उसकी दिव्यता आपका मार्गदर्शन करेगी आप परमेश्वर का मार्गदर्शन करते हैं उसको बता के, के लिए मेरा कर दे ऐसा कर दे उसको बताते हैं ना ये कर दे वो कर दे उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं ना उसके मार्गदर्शन में क्या बहुत गहराई से सोचिए कि जो बोलते हैं हम वाकई में सम्मान करते हैं अपमानित करते हैं तुच्छ ठहराते हैं क्या करते हैं अपने प्रोग्राम अपने आप को बुद्धिमान दिखा के हम जो कार्य करते हैं आज मिल के दिख की रीति मालूम नहीं है वो जान रहे हैं तो हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं कि कुछ नहीं नो नथिंग कहाँ रहा ज्ञानवान पढ़ लीजिए क्यों बोला गया है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक हमको नहीं मिलेगा एक तरह से ये उल्हाना देना है आप जो सुन रहे हैं पवित्र आत्मा की ये उलाना है कि इसको पहचान जाओ और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बताने की कोशिश और मैं ये करता हूँ और वो करता हूँ और पता चला उसके बाद भी कहीं पर कसक है कि मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा कुछ तो त्रुटि है कुछ तो कमियाँ हैं इस सब के बावजूद भी क्या दूसरों को दिखाने के लिए तो मल की की रीति है कि आप उसके सामने हैं अगर उस रीति से जो ईश्यू ने पूरी की है यहाँ हमें बताता है कि अगर ढकवाना है अपने आप के पापों को पापों को मतलब अधर्म को कर्म ये समाम मन की बेकार जो और संसार की आँखों के द्वारा ये सब चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है आकर्षण और ये तो वो चमड़ा तो पहनना पड़ेगा वो पहनाने को तैयार है उसके पास आज तक ईशी को पहनने की पहनने की उसको पहन लो पहन लो क्या पहन लो पता ही नहीं है वचन पहन लो पता नहीं है कौन सा वचन पहन, पहन लो तो वो देख लो ये बातें हम सबके लिए मजबूत करेंगी इन सच्चाइयों को कि ये प्रश्न होना चाहिए कि प्रकाश और, और जो शब्द है वो और शब्द प्रकाश और चमड़े के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया दोनों की ध्वनि एक क्यों है और वो दिखाती है इब्रानी सात अगर हम सत्ताईस अट्ठाईस देखते हैं तो वहाँ निर्दोष और निष्कलंक निकला ये ये महायाजक के बारे में बताया गया है ना अध्याय दूसरा कोई महायाजक नहीं हो सकता लोग जो मसीही कहलाते हैं अगर ये ही शब्द उनके जीवन में उतर जाएं तो वो पहचान जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें दुष्ट नहीं चाहता कि ये बात पता चले जो आपको पता चल रही है हाँ और मैं जानता हूँ क्योंकि जब मुझसे कहलाया जा रहा है तो ये मुझे पहचान है हृदय मन प्राण आत्मा विवेक में कि इसकी सामर्थ्य काम करेगी लेने वाला ले पवित्र आत्मा देना चाह रहा है रिसीव करो ग्रहण करो मेरे आत्मा में जब ये बात स्पष्ट है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों कहलवाया जा रहा है तो ये साफ और स्पष्ट बात है इस तरह से ये सुसमाचार है ऐसा बोलने का साहस और अधिकार हो ही नहीं सकता ये पवित्र आत्मा का है इसे पहचानी है वो सच्चाइयों को जो यहां ढकने की बात आ रही है कि तमाम चीजें ऐसी ढांप दी जाएं सुरक्षित कर दी जाएं जानवर की खाल के वस्त्र पहनाए गए हैं हमें तो कौन सी खाल वस्त्र मिला है वो त्वचा का जो प्रभु ईश्व की है एकदम साफ साफ त्वचा भी और प्रकाश भी अब तो कुछ समझ में आया होगा अगर हम इन बातों को देखना है तो लव्यवस्था तेरह में देखिए आयुब दस मैं पढ़ के सुनाऊंगा बहुत खूबसूरत है इसे बहुत अच्छे से पहचानिए जानिए है ना यूब दस ग्यारह फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियाँ और नसें गूद कर मुझे बनाया है ये सारी चीज़ें जो बनी गई हैं किस तरह से शुरू में बनी थी वैसा ही आप एजकेल में देखे होंगे ना हड्डियों का सुना होंगे कि हड्डियाँ इकट्ठी हों फिर उस पर चमड़ा चारों तरफ से वायु उसमें समाए ये सब इसी से मिला जुला है यशाया इकसठ अभी तक सुने हैं पर अब इसका जो दृष्टिकोण है आपको क्योंकि दिव्यता का प्रकाश हमारा जो मार्गदर्शन कर रहा है वो किस तरह से होता है ये भी हम जाने सीखें पवित्र आत्मा के द्वारा देखिए इकसठ दस सुनिए हमेशा सुने आज इसका अर्थ इस स्पष्ट होता चला जाएगा और वो भी साफ़ साफ और वो किस बात से जुड़ा है ये भी पता चलाएगा कि हम पूरी सच्चाई से इन बातों को जानते जानेंगे और आनंदित होने के लिए और मजबूत होने के लिए उत्साहित होने के लिए आ हमारा परमेश्वर इतना सच्चा परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करता है मैं यह के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए जब ये शब्द आता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे वस्त्र का वस्त्र का रखा गया मलमल मल के वस्त्र का रखा गया और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दुला फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है इतना खूबसूरत वचन कितना खूबसूरत और सच्चा यथार्थ तमाम साक्ष्य और प्रकाश और चमड़ा और मलकी सिदक की रीति से कि वो धार्मिकता हम जान रहे हैं कि वो उसने हमें कैसे ढका कैसे हम उसके पास तक पहुँचें कैसे जैसे उसने हमें निर्मित किया उसी रीति से उसी रीति से जो किया जा रहा है यही तो मलकी सिदक की रीति है कि जो एक बार अपनाई गई और ईमानदार नहीं रहने के कारण व्यवस्था को निर्बल बता दिया गया मनुष्य योग्य नहीं रहने के कारण उसी व्यवस्था को यीशु ने पूरी करके कभी यीशु ने व्यवस्था पूरी की ना मल्कि सिदक पूरा किया सादिक बोलो सादिक बोलो तिशात से बना है और आपको ताजुब होगा जो इसके गिमाट्रिया को जानते हैं और इनके अंक वैल्यू को जानते हैं क्रम के अनुसार है दस बीस तीस चालीस ये चार लेटर हैं तो मलकी के लिए चार लेटर हैं मीम लामेत, कूफ और योद अगर इनके अंक देखेंगे तो दस बीस तीस चालीस ये चार और चालीस समझ रहे हैं ये और दस इन पे बोला गया है मैं बता रहा हूँ यहाँ जैसे ये दो सौ चौरानबे होता है दोनों को मिला के और ये सौ सादिक के लिए तिशाद तिशाद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टी साइलेंस है और दालित और कूफ है इसमें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है साथ साथ मैं इस बात को भी बताता चलूँ कि जो इब्रानी में स्पष्ट है जो हमने सात अठारह उन्नीस की बात कही थी सिद्ध सिर्फ परमेश्वर ईशु है उसने ये व्यवस्था को पूरा किया क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई सिद्ध नहीं हो सकता था पूरी नहीं कर सकता था इसका मतलब मनुष्य निर्बल कमजोर था व्यवस्था पवित्र है मतलब पूर्ण है अगर व्यवस्था के लिए शब्द आया बोलते भी कि वो पवित्र है तो वो पूर्ण है सिद्ध है उससे गलत मत ठहराओ क्योंकि उन चीज़ों को जो यीशु ने पूरा किया आप उसको गलत ठहरा रहे हैं तो यीशु ने पूरा क्यों किया सब बात यीशु ने पूरा क्यों किया सब बात के दिन उसको क्या करना है वो पूरा किया अगर नकारात्मक दृष्टिकोण विचारधारा में डाल दिया गया है तो आप सब बात से परहेज करने लगेंगे और शैतान यही चाहता है आज उन चीज़ों को जानिए ना कि प्रकाश और चमड़ा के लिए मैंने दो अलग ऐसी चीजें आपके सामने रख दी हैं जो आपके लिए कठिन और आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं दुविधा में भी हो सकते हैं संकेत भी हो सकते हैं जैसी आप विचारधारा रखते हैं पर सच्चाई को आप बदल सकते हैं पवित्र शास्त्र की कि आपको चमड़े के लिए भी और बोल बोलना पड़ेगा परमेश्वर ने बोला तीन इक्कीस में वो शब्द मिलेगा हिब्रू जानते हैं पहचानिए है? मैं बार बार कह रहा हूँ जो हमारा द्वारा बोला जाता है उसके पीछे छिपा क्या है हमने अंदर क्या रखा है अगर हम चमड़े के लिए रखें तो बोलेंगे तो वो तो इसीलिए जब बोलते हैं तो जो हमने रखा है वही तो निकलेगा यीशु ने यही तो मिल बोले थे कि अशुद्ध क्या करता है तो हमने रखा क्या है इसीलिए ढकना हम किस चीज़ से ढके हुए हैं आपको कुछ है, इसके मैं नोट करा देता हूँ क्योंकि इतना समय फिर इतना धैर्य रखना बहुत कठिन होता है सुनने के लिए पाँच सात मिनट बोले अरे हमारी पसंद का नहीं है ठीक है अलग करो पर ये चीज़ अगर पूरी सुनते हो तो निश्चित आत्मिक लाभ आत्मिक उन्नति और स्वर्गीय पहचान और वचन की सच्चाई आपको कितनी मजबूत करते जाएगी जिन लोगों ने पूरा सुना है बहुत अच्छी बात है वो जानेंगे समझेंगे पर पूरा सुनने वालों से मेरा निवेदन है आग्रह कि ये प्रेरित करना लोगों को क्योंकि पूरा सुनोगे तो पूरा पाओगे जानोगे आधा अधूरा खतरनाक हो सकता है उससे जज करने की कोशिश नहीं करना और जो इतनी बड़ी बातें हैं इतने कम समय में पवित्र आत्मा रख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो आधे से आधा समय में भी हम कह पा रहे हैं हाँ इसके हर उस पद को जो इस संबंध में ठहराया गया है उसकी अलग अलग व्याख्या करी जा सकती है तो वो जो शांति का राजा है धार्मिकता का राजा है हम इब्रानी में सातवां अध्याय देख सकते हैं एक तीन में उसे पूरा पढ़ के पर अब उसका सही अर्थ जो आप सुन रहे हैं चमड़ा और प्रकाश जानवर की खाल का वस्त्र पहनाया गया और ये सब कुछ जो अंतिम में मैं बताने जा रहा हूँ ये उत्तम आशा है हमारी सर्वोत्तम आशा है सर्वश्रेष्ठ आशा जो रखी गई कि हम बच जाएँ तीतुस एक में बहुत स्पष्ट आपको मिलेगा तीतुस एक उसका दो तीतुस एक उसका दूसरा उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो जो भू झूठ नहीं बोल सकता सनातन से की है पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया ये पूरा हुआ आज आप उत्तम आशा का जो रखा गया मल की की रीति पहचाने हम आशा के द्वारा उद्धार पाए ना जो रोमियो आर्ट कहता है रोमियो आर्ट चौबीस पच्चीस बहुत स्पष्ट है इन्हें पढ़िए ये साधारण नहीं जो रेफरेंस अभी आप सुन रहे हैं एक बहुत सुसमाचार जिसमें सामर्थ्य है सच्चाई है दिव्यता है मार्गदर्शन है आत्मा का आत्मा का यहाँ पर शरीर का नहीं है और इसीलिए इस बात को सामने रखा गया कि उन बातों को तोड़ा जाए जो आप संतावन पचासी सुन रहे हैं पसंद करें हैं कि ये वो जो समय है आज जो मल की को समझ रहे हैं तो संतावन पचासी जो समय रखा गया है उसका एक हिस्सा है ये उन चीज़ों को तोड़ा जाना जो रोकती हैं कहा जाना अगर पचासी को देखेंगे तो पे शब्द इस्तेमाल है अस्सी और पाँच जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये अनुग्रह का वो समय है अनुग्रह पे अनुग्रह का तो अनुग्र पे अनुग्रह हमें पहचान कर आता है उसकी दिव्यता का उसकी अलौकिकता का कि हम उसमें कैसे रहें क्या हर चीज़ हमें मालूम हो और सच को जाने तो सच इस तरह से जानेंगे तभी स्वतंत्र होंगे कह देने से नहीं कि सच को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा परमेश्वर की सच्चाई का हर बिंदु कितना सत्य है ये पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है ये आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह की व्याख्याएं जो पवित्र शास्त्र में रखी हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है एक मनुष्य नहीं कर सकता वो अंदाज और आप बिल्कुल जितना भटक सकते हैं अपने आप मन को भटकाने के लिए अगर ढांपना नहीं चाहते तो आप भटकते रहेंगे संसार में बोले गई वो चीज़ों के लिए जो व्यर्थ उकसाने के लिए हैं जो फैलाई जा रही हैं जबकि सब बात स्पष्ट और साफ साफ है हम देखना सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारे मन के अनुरूप नहीं है क्योंकि हमने ईश्यू को नहीं पहना है उसके मांस को खाने में उसके लहू को पीने में वाकई में कि तू हमें ये खिलाता है अंदर से स्वीकार नहीं किया गया है आत्मा ये स्वीकार नहीं कर रही है शरीर को करना पड़ रहा है उसके बाद जाकर लोग प्रभु बोझ लेते हैं और उसके बाद कुकर्म अधर्म और नाना प्रकार के झूठ करते हैं और क्या नतीजे निकलते हैं और इसलिए सचेत किया गया है पंद्रह पहला कुरंती पंद्रह और ये सारी चीज़ों में देखते हैं ना कि प्रभु बोझ लेते समय क्या नहीं करना चाहिए कैसा तो क्या होता है क्योंकि वो इस बात से जुड़ा हुआ है इन चीजों से साफ साफ प्रकाश से इसका मतलब है और प्रकाश में आप जब तक नहीं आएंगे और प्रकाश में वचन लाता पवित्र आत्मा लाता है अर्थ होता है कि प्रार्थना में हम क्या मांग रहे हैं तो आत्मा मांगने लगता है अभी तो हम जितनी प्रार्थना करते हैं हो सकता है लगातार करते रहते हों जिसमें बड़बड़ बाहरी बड़ आंगन पर होता रहता हो उसकी उपस्थिति में ना रहकर संसार की चिंताओं में अपने आप को बैठ के उसके सामने वो कुछ नहीं है वो अपाहिज लोग हैं प्रार्थना का मतलब है कि आज के लिए जो मैंने बोला है उस पर मैं कार्य करूं। आपने क्या कार्य चुना परमेश्वर के सामने जाके कि बाड़ी के कौन से कांटों को निकालूं कहाँ तक पहुँच कर किसकी क्या मदद करूँ ये है मलकी सीदक की रीति कि यीशु सुबह से निकल जाता था भोर से निकल जाता था और रात गए तक कार्य करता रहता था परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने वाले कभी शर्मिंदा लज्जित नहीं होंगे उनके जीवन में संतुष्टि रहेगी अगर उसके राज्य के लिए कर रहे हैं और अपने राज्य के लिए कर रहे हैं तो वो तो फिर वो एड़ी तक उनका पसीना बहाएगा और सांप उनको डसेगा और चाटेगा और ऐसा हो ही रहा है कि सांप का डसना मतलब बीमारी में पड़े हैं और आखिरी स्थिति में सारी कुछ इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए यहाँ पर कि ये सब आनंद का सुसमाचार है आत्मा के आनंद का सुसमाचार है आ, संसार के तरीके से ज्ञानवान बुद्धिमान उनके लिए तो ये ऐसा होगा कि अंदर क्योंकि वचन दोधारी तलवार है पर निश्चित आत्मा चाहता है कि आप और आपका परिवार इन सच्चाइयों को जानें और पूरी रीति से छुटकारा पाएं ईशु के नाम में और इस जीश को जाने कि वो शुरू से ही परमेश्वर ने कितना खूबसूरत कार्य करके हमारे लिए ये आशा रख दी तो नज़ कहा जाता है 57 को जो तोड़ा जाता है ये अभी 57 जो सन चल रहा है अगर आप 2024 पे चल रहे हैं तो ये आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं जिसका कोई अर्थ और अनर्थ चीज़ों को पर ध्यान अगर जाता रहता है तो और हम करीब पहुंच रहे हैं यौम किपोर के 12 तारीख को दसवा दिन हो जाएगा तो ये 10 दिनों में आपने कैसा क्या किया इन सारी चीज़ों को कि उसके एटोलमेंट में उसके सामने आ, इतना खूबसूरत है इकसठ दस यशया कि वो किस तरह से हमारे जैसे दूल्हा दुल्हन फूलों से लदे हुए फूलों से लदे हुए फूलों की मालाओं से इतना सुंदर देखना चाहता है परमेश्वर और ये उत्तम आशा ये सब कुछ उत्तम आशा है उसके तहत ये बातें आई हैं परमेश्वर की ये उत्तम आशा हाँ लिलुईया तो ये वो समय है जो शुद्धिकरण का है अपने बोलने में उन चीज़ों को तोड़ें अपने जीवन से और चाहता है परमेश्वर की ये अंतिम समय में आपके मुंह के द्वारा पूरा शुद्धिकरण हो उन सारी चीज़ों को अलग कर दें जो और इस रीति से ईश्वर के नाम में जब सच्चाई से इन बातों को लेकर कि हाँ मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूँ सांसारिक और शरीर की उन्नति और पद प्रतिष्ठा और वैभव के चक्कर में हैं तो निश्चित निश्चित वो तो रहना ही है और ऐसे लोग संभलें क्योंकि करीब है समय और ये प्रमाण ये चिन्ह ये संकेत दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा अंतिम समय में उन बातों पर से पर्दे उठ रहे हैं जो छिपी हुई थी कुछ भी छिपा नहीं रहेगा तो सच्चाइयाँ तो कैसे धीरे धीरे प्रकट हो रही हैं और वो प्रकाश में हो रही हैं चमड़े के साथ हो रही हैं और और अंत में बताता चलूं कि प्रकाश के लिए जो और शब्द आता है उसमें लेटर होता है अलफ वाव और रश और इसके अर्थ हैं अलफ वाव और रश पर चमड़े के पहनावे के लिए जो और शब्द या ध्वनि का उच्चारण होता है उसमें पहला लेटर आइन होता है और दूसरा वाव और तीसरा रैश मतलब पहले लेटरों में फर्क पर प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग तो ये दोनों दिखाते हैं शारीरिक और आत्मिक और हर चीज प्रकट करती है जैसे मैंने नज्स बोला तो नून मतलब नून मतलब जीवन मछली को दिखाता है वो और जाइन वो हिस्से को दिखाता है जो टुकड़े करता है कुल्हाड़ा ये हीब्रू में ही पाया जाएगा परमेश्वर ने क्यों हीब्रू में बाइबल है हाँ ट्रांसलेशन जो भी हुए हों ग्रीक के अलग पर जो सही हम जान सकते हैं पहचान सकते हैं पुष्टि हो सकती है पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा हैं तो वो हमारी दृष्टि कराएंगे, चाहे हमें आता ना हो चाहे हम उस लैंग्वेज को ना जानते हो मैं कोई हिब्रू लैंग्वेज जान वाला जानकार थोड़ी हूँ पर हाँ उसका रेवलेशन तो प्रकट करता है क्योंकि मैं परमेश्वर की हर चीज़ से प्रेम रखता हूँ मुझे खुशी होती है इन बातों में कि उसने जो बात करी है कम से कम मैं कुछ तो कर लूँ जितनी क्षमता उसने दी है या समझ दी है हमको हमारी आत्मा के अनुसार उसने नाप दिया है तो ये जो आज का नाप है उत्तम आशा का और उसमें तहत ये सब बातें हैं मुझे आशा उम्मीद है कि पूरा सुनने के बाद निश्चित आपकी आत्मा प्रोत्साहित होकर इसको अपने कमेंट्स के साथ दूसरों तक पहुंचाएंगी कि पूरा सुनना क्यों अनिवार्य है क्यों अनिवार्य है क्यों दुष्ट पूरा सुनने से वंचित करता है मैं सिर्फ अनंत जीवन सत्य प्रकाश के एपिसोड्स की बात नहीं कर रहा वीडियोस की बात नहीं कर रहा मैं तमाम उन जिन्हें आप सचमुच में परख कर सच्चे पाए हैं तो उनका पूरा सुनिए ईश्व के नाम में